much to buy? ये नाक कौन है? कहीं मेरे दुश्मन को ये ना मारते? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देव की मौत मेरे हाथों लिखी है। प्रिंता, ये बात मुझे मां को बतानी होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब इस मंदिर पे सूरज की सुनहरी किरणें पड़ेंगी तो तुम्हारी बेटी का सुनहरा नाम चमकेगा, ऊपर चमकेगा। मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, प्लीज। बहुत डर लग रहा है। इंदर, डरने की कोई बात नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हूँ तुम्हारे पास। मुझे बहुत डर लग रहा है। वृंदा उठो। वृंदा, 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 मुझे छोड़ के मत जा। आर यू ओके? वृंदा उठो, उठो। वृंदा, आर यू ओके? मुझे छोड़ना मत प्लीज राजा। हाँ पर वृंदा, तुम यहाँ कैसे पहुंची? मुझे नहीं पता, मैं यहाँ, मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। जस्ट रिलैक्स, मैं यहीं हूँ। वृंदा किसी और की अमानत है देव, रजत की अमानत है। ये वृंदा है कौन? ये इच्छाधारी नागिन बनी कैसे? त्रिलोचनाय नमः, ओम ध्रुवाय नमः, ओम नमः शिवाय। माँ,
बाप मेरे भाई जल्द से जल्द बता दी होगी। ओम ध्रुवाय नमः, ओम महाजटाय नमः, ओम त्रिलोचनाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम ध्रुवाय नमः। अच्छाधारी नागिन, वो जो मुझसे जन्मी है, वो जो मेरी असली बेटी है प्रभु, कहाँ है वो? कौन है वो? कहाँ है उसका नाम? दिखाइए मुझे प्रभु, बताइए मुझे कहाँ है वो? उस आवाज ने तो कहा था कि उसका नाम मुझे यही दिखाई देगा। कहाँ है उसका नाम? हे प्रभु, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये वृंदा नागिन है, इसका मतलब मैं अपनी माँ की बेटी नहीं। कहाँ है वो नाम? तुम यहाँ क्यों आई हो नहीं? जाओ तुम यहाँ से, जाओ। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये प्रहर नहीं बीच, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, क्या करने आई हो तुम यहाँ? आप यहाँ क्या कर रही हैं माँ? पूछा करने आई थी, बहुत बड़ी पूजा जो अब भंग हो चुकी है। मुझे माफ कर दो माँ, मेरी वजह से आपकी पूजा भंग हो गई। तुम यहाँ आई क्यों नहीं? कौन है मेरी बच्ची? वो जो मेरा बदला पूरा करेगी। मैंने उस इच्छाधारी नाग को फिर देखा, उसी के बारे में बताने के लिए। देखा उसे? वही जहाँ मैं आज देव पारिक के साथ गई थी। मैं तो उसका चेहरा भी देखूंगा, जानती होगी ना तुम कि वो कौन है। नहीं, मैं वो नहीं देख पाई। नहीं देख पाई का क्या मतलब है? उसका पीछा क्यों नहीं किया तुमने? नहीं तरह उल्टा यहाँ चली आई ये बोलने के लिए कि तुमने नाग को देखा है। तरह तुम्हें आता है ना कि नाग नागिन को कैसे अपने वश में करना है? वीण बजाने की कला आती है ना, तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्यों नहीं उस नाग को अपने वश में किया? क्यों नहीं पकड़ा उसे? मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती हो गई का क्या मतलब है नयनतारा? तुम बस गलतियाँ करती रहो और मैं तुम्हें माफ करती रहूँ, यही काम है क्या मेरा? जाओ तुम यहाँ से, जाओ। मैं भी घर बाद में आऊंगी, मुझे अभी बहुत सारा काम है। तुमने मेरी बहुत बड़ी पूजा भंग कर दी है नयनतारा, जिसकी भरपाई शहद का भी ना हो। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मैं हूं तो आपकी बेटी ना, मेरी एक गलती तो आप माफ कर सकती हैं। ओम निशाचाराय नमः।
ओम नमः शिवाय। तारा, ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? कैसे हुआ ये सब? रुको, मैं अपने लेप लेकर आती हूँ। लड़की भी ना, कैसे किया तुमने ये सब कुछ? क्या करती रहती हो तुम? ये चोट कैसे लगाई? मुझे बोलना चाहिए था ना। कहाँ भाई तुम यहाँ? जब आपकी पूजा शुरू हुई, तुम दो घंटे से आओ चुपचाप बैठी हुई हो, दर्द सह रही हो, क्यों? क्या जरूरत थी? आपकी पूजा जरूरी थी ना। नैन तारा, क्या तुम पागल हो क्या? मेरे लिए तुमसे ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है नैन, समझी तुम? हमेशा याद रखना, इस दुनिया में तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए, इस पूरी दुनिया में बस हम दोनों हैं एक दूसरे के लिए, और कुछ भी मायने नहीं रखता, कोई भी पूजा, कोई भी पाठ, कुछ भी नहीं। तुमने मेरी बहुत बड़ी पूजा भंग कर दी है नरेंद्र, उसकी भरपाई शायद कभी ना हो पाए। उसका पता कौन है मेरी मिर्ची? वो जो मेरा बदला पूरा करेगी। इतना तुम्हें आता है ना कि नाग नागिनी को कैसे अपने वश में करना है? वीण बजाने की कला आती है ना, तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्यों नहीं उस नाग को अपने वश में किया? क्यों नहीं पकड़ा उसे? भोलेनाथ की कसम, अब मैं ऐसा ही करूंगी। उस नागिन को ढूंढूंगी, उस पे काबू पाऊंगी और फिर उसे मार दूंगी। हाँ वृंदा, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं तेरा अंत बनूंगी, मैं तेरी मौत बनूंगी। मैं वृंदा, ये लो। थैंक यू। क्या हुआ रजत, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं, बस सर दर्द हो रहा है बहुत। अचानक से कैसे? क्या करता, महंगी दारू मिली तो घटक गया। अच्छा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। कहाँ थी तुम पूरी रात? तुम्हें ढूंढ ढूंढ के तुम्हें पता एक मिनट नहीं सो पाया मैं। सर फट रहा मेरा। रजत, I'm sorry. Sorry, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। I'm sorry, रजत। वृंदा, are you okay? तुम कल बेहोश हो गई थी। And I think कि वो किसी के सरदर्द से ज्यादा बड़ी बात है। हाँ देव सर एकदम सही कह रहे। सरदर्द का क्या है, एक दवाई लूंगा ठीक हो जाएगा। तुम ठीक हो ना वृंदा? हाँ। वो एक्चुअली कल वृंदा को ढूंढने के चक्कर रजत जी होटल में जाके दिया। ये तुम्हारी शराब का बिल है, मैंने साइन कर दिया, इट्स बीन टेकन केयर ऑफ। जाओ जाके दे दो। देव सर कल बहुत टेंशन में था ना, तो थोड़ा रजत मैं वृंदा के सामने तमाशा नहीं बनाना चाहता, सो जाओ। तुम ठीक हो? मैं अंतारा। किधर है? ओ गॉश, मैं कॉल करके पूछता हूँ उससे। पता नहीं कल रात क्या हुआ था मुझे, कहाँ थी मैं? आखिर हुआ क्या था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? तारा फोन भी नहीं उठा रही है, पता नहीं कहाँ है। एंड रजत, अगर तुमने उसे कहीं देखा था जाते हुए, भाग के कहीं जा रही थी, तो तुमने उसे पूछा क्यों नहीं? पूछ तो सकते थे ना, तुमने जरूरी नहीं समझा कि उसे पूछना चाहिए?
मैं तो नहीं देव, नयनतारा तो तुम्हारे साथ थी ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम कल रात को कहाँ थे। मैं तो या आई एम सॉरी। नहीं नहीं आप ऐसा मत कहिए, हम ढूंढते रहे नयनतारा को, मैं ढूंढूंगा नयनतारा को। रजत प्लीज तुम रहने दो, तुम वृंदा का ख्याल रख लो वही बहुत है, इतना तो कर लोगे ना। ऑफ कोर्स कर लेगा, वो इतने अच्छे से मेरा ख्याल रखता है हमेशा, नहीं रजत। स्टॉप इट देव, क्या कर रहा है तू, स्टॉप, जस्ट स्टॉप। पूरी तरह मेरे वश में है। स्वाहा होगा ये नाग, अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे नाग नागिन केवल उसी आप में भस्म हो सकते हैं जिसमें किसी बीजू का अंश मिला। अब जाएगा ये नाग खुद अपनी मर्जी से साग में कूद जाएगा। मतलब ये सब सही है, इस वशीकरण मंत्र और अग्नि में वाकई इतनी ताकत है कि मैं इससे किसी भी नाग नागिन को जला सकती हूँ, खास करके उस वृंदा को। वृंदा ये लो दवाई खा लो, इससे तुम ठीक हो जाओगे। हल्की बात के लिए गुस्सा हो गया, नहीं मतलब वो देव ने तुमसे ऐसे रूडली बात की ना, पर ओ, तुम कहोगे ना तो मैं उससे बात कर लूंगी, मैं सीधे सीधे उसको बोल दूंगी। वृंदा प्लीज, हमारी एक डील हुई, हमें देव और नयनतारा को मिलाना है, यही देव की मॉम चाहती है और बस हमें यही करना है, दैट्स इट। वो तो मुझे भी पता है, वही तो किया ना देव को कॉन्सर्ट में आने के लिए कहा। रियली? हुआ तो कुछ नहीं, वहां तो तुम जाके बेहोश हो गई, तुम गई कहां थी? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कोई जवाब है तुम्हारे पास? क्या जवाब दूं माँ, आप ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? डबल डेट पे गया था ना, पसंद आई लड़की। माँ प्लीज, अब आप मैट्रिमोनी साइट मत बन जाओ प्लीज। माँ हूँ तेरी, तेरी शादी के बारे में मैं ही सोचूंगी। अरे व्हाट शादी माँ, आज नहीं तो कल, करनी तो है ना। माँ एक काम करो, आपका एक और बेटा है ना, आप उसकी शादी करवा दो, आपका शौक भी पूरा हो जाएगा। ऐसा मत कर, मुझे ना नयनतारा में मेरी बहू नजर आती है। डन, बना लो। और अगर भाई की तरफ से ना है तो मेरी तरफ से हाँ। चुप कर। चुप मत कराओ इसे, शादी करवा दो इसकी, देखो कितना उतावला है। बकवास बंद करो दोनों। देव तू सुन रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? माँ मैं सुन भी रहा हूँ और मैं समझ भी रहा हूँ, अब आप मेरी बात सुनो और समझो कि मेरे और नयनतारा के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी नहीं है पर बाद में हो तो सकता है ना। अभी तो कोई चांस नहीं है और बाद में भी नहीं लगता। माँ वृंदा, माँ बाद में बात करना, तू पहले इधर इधर है, थोड़ा सा गर्म है, ध्यान से पहले हल्दी वाला दूध पी ना। अरे आकर जल्दी, मैं उल्टी कर। अरे पीना पीना, दो घूंट पी, शाबाश हो गया, बस छोड़। अरे सारा तो पहले पी तो लेती। माँ बाबा किधर है, वो दिखाई नहीं दे रहे, मुझे उनसे बात करनी है। वो तो मंदिर गए। क्या बात करनी है तुझे, तू मुझसे बात कर लेना। माँ को अपनी परेशानी बताई तो ये मुझसे ज्यादा परेशान हो जाएगी। वृंदा हाँ बोलना, क्या बात है? वो बाबा से बात करनी थी तो वो आ जाते तो मेरी इस बार की बेहोशी का कोई उपाय मिल जाता। फिर सोचने लग गई, क्या हो गया वृंदा बता ना मुझे।
मंदिर चले जाती हूँ, मैं यही सोच रही हूँ मैं उनसे वहीं बात कर रही हूँ। लग रही हो तो वैशाली आंटी से चल के बात करें। नहीं, वैशाली आंटी हमें बहुत मानती है, एकदम अपने फैमिली मेंबर जैसे। नहीं, एक सेकंड, वो बड़ी माँ को कहेंगे क्या जाके? फिर यही कहेंगे कि जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही हो रहा है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। नहीं, एक सेकंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग क्या बात कर रहे हो। चल क्या रहा है, मुझे कोई बताएगा क्या? बताएंगे बताएंगे, आपको भी बताएंगे, पर पहले हम दोनों तो श्योर हो जाएं जो हम सोच रहे हैं वैसा हो सकता है। और इतनी बड़ी गुड न्यूज है, इतना बड़ा सरप्राइज है, आपसे कैसे छुपा सकते हैं? बस अभी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। चलो चलो वृंदा, हम लेट हो रहे हैं। अरे लेकिन पहले मेरी बात तो। ये रजत क्या कह के गए? गड़बड़ हो गई, खुशखबरी। नयनतारा, आई एम रियली सॉरी। यू नो देव, मुझे लगा था हम दोनों के बीच शायद कुछ तो है, तो मुझे नापसंद तो नहीं करते? ऑफ कोर्स नॉट, मैं तुम्हें डिसलाइक क्यों करूंगा? इट्स जस्ट दैट कि मैं, रहने दो देव, इस वक्त तुम कुछ भी कहोगे तो शायद मेरा दिल ही दुखेगा, इसलिए मैं ऐसे चली जाती हूँ। नो नो नो, लिसन लिसन टू मी, वो जो मैं माँ से कह रहा था उसका मतलब ये था कि लुक, मैं ना दूसरे लड़कों की तरह नहीं, मुझे बहुत सारी लड़कियों के साथ दोस्ती करना, उनके साथ घूमना फिरना, ये सब पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं जिसके साथ अपनी जिंदगी बिताऊं वो सिर्फ एक लड़की हो, जस्ट वन रिलेशनशिप फॉर द लाइफ टाइम। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जिससे शादी करूँ उससे प्यार करूँ, और तुम तो जानती हो ना, प्यार ऐसे ही किसी को मिलते ही नहीं हो जाता, यू अंडरस्टैंड? इसलिए, एंड यू नो, कल के लिए, कल तुम निकल गई मुझे पता ही नहीं चला, और फिर मैं पानी में गिर गया था। अगले दिन सुबह वृंदा की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उसी के साथ था। फिर वृंदा का जिक्र, कुछ कर नयनतारा, कुछ कर। फिर नए वृंदा, तेरी माँ को भी तुझसे छीनेगी और इस लड़के को भी। अगर ऐसा हुआ तो फिर तू वाकई अपनी माँ के किसी काम की नहीं रहेगी। हेलो, आर यू विद मी? तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहे थे तुम? सॉरी कह रहा था कल रात के लिए, और हर उस बात के लिए जिसके लिए मैंने तुम्हें हर्ट किया। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके बी, मैं भी तुम पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहती, सो इट्स ऑलराइट। थैंक यू सो मच, बट स्टिल लेट मी नो हाउ कैन आई मेक इट अप टू यू। कॉफी बनानी आती है? आती है ना, बहुत अच्छी बना लेता हूँ, अभी बना के लाता हूँ। मैं तुमसे फौरन मिलना चाहता हूँ, अर्जेंट है। अभी घर के बैकयार्ड वाले जंगल के रास्ते पे आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। तुम समझ गई मैं क्या समझा? हाँ। क्या देख रही हो? अब मुंडी मत हिलाओ, मुझे बताओ हाँ या ना, समझी हाँ, या नहीं समझी? समझ गई समझ गई। मैं बड़ी माँ को जाके बोलूंगी कि वो किसी बात की फिक्र ना करे। हाँ सुनो, तुम्हें नहीं लगता एक बार देव से पूछना बनता है? बिल्कुल भी नहीं, तुम पागल हो गई हो क्या? वैशाली आंटी ने हमसे अलग से आके बात की, इसका मतलब वो नहीं चाहती कि देव को पता चले, करेक्ट? और वो देव की मॉम है, उन्हें तो पता ही होगा ना उसके लिए क्या सही है। तुम सिंपल सी चीज को कॉम्प्लिकेट मत करो प्लीज, बस जाओ वैसे करो जैसे मैंने कहा। ए गर्लफ्रेंड, आप यहाँ क्यों? तू किसी और को ढूंढ रहा था क्या? हाँ, वो नयनतारा थी ना यहाँ पे, वो कहाँ गई? ओ नयनतारा। हे गर्लफ्रेंड, यू नो व्हाट, माँ चाहती है कि मैं नयनतारा को जानू समझू, यू नो ना वाइब, बट तेरे दिल में कुछ और चल रहा है ना, बहुत सारे सवाल। अच्छा टेल मी वन थिंग, आपको दादू से प्यार पहली बार कब हुआ था? मतलब आपको कैसे पता चला कब हुआ प्यार, कैसे हुआ? वो तो मुझे याद नहीं है, पर पता है किसी को मिलके तुरंत प्यार हो जाए वो जरूरी नहीं है। मेरे दादू और मेरे बीच तो प्यार धीरे धीरे बढ़ा था वक्त के साथ। ओ, मतलब बेसिकली फाइनली प्यार कब हो जाए ये जानने का कोई तरीका नहीं? बिल्कुल है, जब प्यार होता है ना तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, दिल जोर जोर से गाने लगता है और सर चकराने लगता है। ई यू, ये सारी शायराना लाइंस बोलूंगी क्या मैं बड़ी माँ के सामने, वो भी देव के दिल का हाल समझाने के लिए? रजत पागल हो गया है क्या? नहीं वृंदा, सीधी सादी बात करूंगी जाके, सीधा सीधा समझा दूंगी कि बड़ी माँ मुझे ना आपसे प्यार की बहुत सारी बातें कर। हाँ करो ना, प्यार की बातें करो, हम सुन रहे हैं, बोलो ना क्या कहना है। मुझे क्या कहना है? It's kind of weird.
जब मैं उसके साथ होता हूँ मैं कंफ्यूज होता हूँ, जब मैं उसके साथ नहीं होता हूँ तब मैं उसे मिस करता हूँ। कभी कभी लगता है कि उतना जानता नहीं हूँ उसे, और कभी कभी लगता है मैं तो हमेशा से उसे जानता हूँ। आई मीन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डिसाइड करूँ मैं। ठीक है मैं बताती हूँ। एक हाथ चल। सीरियसली यहाँ सबको लगता है कि बुढ़िया की बातें धक्यानों सी है। मुझे नहीं लगती है। पता है। एक हाथ चुन। अगर तेरे सवाल का जवाब नहीं मिला ना तो फिर बताना। ओके इफ यू इंसिस्ट। इमली वृंदा है ना? मुझे पता था तो उसी के बारे में बात कर रहा है। क्या क्या कह रहे हो आप? मैंने कुछ कहा क्या आपसे? कुछ भी। ओके आपको कैसे पता? बूढ़ी हूँ अंधी नहीं हूँ। तेरे दिल की बात है ना, जा तो जाके उसको कह दे। What? इतना सिंपल नहीं है बा, और सिंपल से ज्यादा इट्स नॉट राइट। उसकी लाइफ में कोई है ना, वो है किसी के साथ। तो क्या हुआ, शादी तो नहीं हुई है ना, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वृंदा ना कह देगी ना। कोई बात नहीं, जा अपने दिल की बात बता दे उसे। अरे ऐसे कैसे? कोई बात नहीं, तुमने खुद कहा ना कि तुम्हें प्यार की बात करनी है तो करो ना, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। हम तो वैसे भी प्यार और हवस के पुजारी हैं। समझा दो ना वृंदा। अच्छा अगर थ्योरी नहीं पढ़ानी तो प्रैक्टिकली करा दो। यू आर माई हेवन ऑन अर्थ टाइप, कुछ सिखा दो, कुछ दिखा दो। तुम्हारी हिम्मत कैसी है? किस बात की हिम्मत गाइस, क्या हुआ? तो कुछ नहीं भाई, हम हार्दिक को बता रहे थे कि वो इसने बिना पूछे मूवी की टिकट कैंसिल कर दी ना, तो वही पूछ रहे थे कि हिम्मत कैसे हुई। चलो गाइस चलो बाहर चल के बात करते हैं। तुम लोग बड़े कब हो गए यार? ये लोग भी ना। अब तुम्हें क्या हुआ, ठीक हो तुम? नहीं बीमार हूँ, बहुत बीमार हूँ, मरने वाली हूँ मैं। व्हाट से क्या हो गया? नदी है, वही किनारा है जहाँ मैं अपने बच्चे के साथ बैठी थी, लेकिन उस वक्त तो मेरी बेटी मेरे हाथों में थी, तो कब हुई उसकी अदला बदली? कौन कर सकता है ऐसा, और क्यों? क्यों? ये पर तो लेटी हुई थी मैं, ये किनारा तो है, किसने किया ये सब? की अदला बदली कहाँ है मेरी बच्ची? नहीं, हर एक परिवार में से तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग अच्छे से जानते थे कि 25 सालों तक मैं इच्छाधारी नागिन का रूप नहीं धारण कर सकती, इसीलिए वो मुझे या मेरी बच्ची को जिंदा ही नहीं छोड़ते। उस बार एक परिवार के अलावा मेरा और कौन दुश्मन हो सकता है? सुनो, अरे तुम तो वही हो ना, तुम लौट आई, कैसी हो तुम? और बेटी कैसी है तुम्हारी? वो तो बड़ी हो गई होगी ना, कहाँ है वो? वही तो जानना है कि कहाँ है मेरी बेटी। एक मिनट एक मिनट, आपके जाने के बाद मुझे यहाँ एक रुद्राक्ष मिला था, मैंने यही अपनी पोटली में रखा है। कहते हैं नसीब बदलता है रुद्राक्ष। कैसे समझाऊं मैं रजत को, मेरा पारिक हाउस जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। अरे नहीं बनना मुझे किसी के लिए मैच मेकर, मुझे बस बाबा से बात करनी है। ये हो क्या रहा है मेरे साथ, क्यों आंखों के सामने हमेशा अंधेरा छा रहा है, बेहोशी हो रही, हो क्या रहा है मुझे?
मुझे बात करके भी कोई फायदा तो है नहीं। उसे समझाना इतना मुश्किल है, वो झूठ ही पूछेगा बड़ी माँ से बात हुई कि नहीं, और मैं क्या जवाब दूंगी। नहीं, उसे तो समझाना भी इतना मुश्किल है, क्या बोलूं उसको अब मैं। तो बड़बड़ा क्यों रही है, कोई बात है क्या? देख, छुपा मत मुझे, कुछ कहना है तुझे तो बता देना मुझे। हाँ नहीं माँ, वो छुपा रही? नहीं छुपा कुछ नहीं रही, वो तो मैं बल्कि आपको बताने ही वाली थी। मुझे पता था तू ना मुझे कुछ बताने ही वाली। तुम्हारे हाउस गई थी तो जरूर कोई ना कोई कांड तो हुआ होगा। रजत भी कह रहा था ना कि कुछ गड़बड़ हुई है, वो तो तुम दोनों के बीच सब कुछ हुआ है? नहीं लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं, नहीं लड़ाई नहीं। वो शादी के बाद लड़का लड़की पति पत्नी के बीच में जो होता है वो पहले हुआ है, मतलब नहीं मतलब इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन ऐसा पहले जैसा नहीं है ना सब कुछ। क्या बोल रही हो तू? मेरी कसम का कि कुछ भी नहीं हुआ है तुम दोनों के बीच में। मैं पागल हो गई हूँ क्या? सब कुछ ठीक। माँ बिल्कुल पागल हो, जब तुम बात ही नहीं करनी अब से। तो ये यही था जहाँ आप और आपकी बच्ची गिरी थी। इसका मतलब ये उसी इंसान का होगा जिसने मेरी बच्ची को चुराया है, उसी की निशानी होगी। हाथ तो हटा। नो यार, हटो यार। हटाना यार, अबे हटाना। तुम लोगों को हंसी आ रही है? चढ़ा है यार, जोरदार चढ़ा है, 5 की 5 छप गई है। चलो गुड। मानस के कांड के बाद ना वैसे भी हमने कोई मजा तो किया नहीं, कुछ करते हैं गाइस। क्यों ही ना बात, फिर स्पिरिट की ना दाद देता हूँ। चलो आ जाओ मेरे साथ, वृंदा से स्टार्ट करते हैं और उसको बताते हैं कि लड़कियों का लड़कों पे हाथ उठाना ना अच्छी बात नहीं है। करेक्ट, आज एक लड़की को ना लड़के को थप्पड़ मारने की सजा देते हैं, वो भी उसी के घर पे। Let's go. चल। पड़ी माँ, मंगेतर कहाँ है तुम्हारा? रजत दवाइयाँ लेने गया मेरे लिए। वो तुम्हारे माँ बाबा? माँ किचन से लेने गई है सामान। बाबा वहाँ? बाबा जानती हूँ वहाँ कहाँ होंगे। तुम बताओ क्या किया तुमने? मैंने, बड़ी माँ तबीयत खराब हो गई थी। वृंदा मेरी शक्ल देख के तुम्हें लगता है मैं ये सब सुनने यहाँ आई हूँ? इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें इसलिए सौंपी थी क्योंकि तुम देव की अच्छी दोस्त हो, मुझे लगा उसका भला चाहोगी। हमेशा हमेशा चाहती हूँ। तुम नयनतारा के साथ क्यों नहीं लौटा? मैं ना घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहती, सीधे सीधे बताओ तुमसे मेरा काम होगा या नहीं, वरना मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की मदद नहीं कर पाऊंगी। न जाने कितने सालों से हमारे इस आउट हाउस में बिना किराया दिए रह रहे हो। तुम लोगों को शायद याद भी नहीं होगा, बड़ी माँ किराया तो मैं किराया नहीं मांग रही हूँ मैं तुमसे। बस बता रही हूँ कि मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए इतना कुछ किया है और तुम मेरे देव जो पारिक खानदान का भविष्य है उसके लिए इतना छोटा सा काम नहीं कर पाई। तुमसे मैंने कहा था नयनतारा और देव को करीब लाओ, पर जब से वो लौटा है बड़ा ही अजीब बर्ताव कर रहा है। कह रहा है उसे नयनतारा में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसे नयनतारा से प्यार ही नहीं है। इसलिए मैं जानना चाहती हूँ ऐसा क्या हुआ जो मेरे देव का दिल बदल गया? ऐसा तो कुछ नहीं। मैम सॉरी, मैं आपके काम पे लगा हुआ हूँ। एक मिनट, ये काम मैंने तुम्हें नहीं वृंदा को सौंपा है, इसलिए यही मुझे बताएगी इससे ये काम होगा या नहीं। बड़ी मैम मैं करूँ? होगा ना, एकदम 110% काम होगा। मैं और वृंदा भी अभी बस यही बात कर रहे थे, हमें बस थोड़ा वक्त चाहिए। मैं आपको 5 मिनट में सब समझाता हूँ। वृंदा 5 मिनट दोगी तुम हमें बात करने के लिए प्लीज? रुक जा, मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। इधर आ। अबे कहाँ लेके जा रहा मुझे? तू देख तो सही, अगर तुमसे मेरा काम नहीं हो रहा तो अपने घर के बारे में भी भूल जाओ। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए, आपका काम वृंदा से मैं करवाऊंगा। यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए, वरना जो तुम चाहते हो ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारे आंखों में ये जो पैसे की भूख है ना, मुझसे छुपा नहीं पाओगे, मैं
तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानती हो, पर तुम मुझे नहीं जानते। मैं अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, इसलिए मेरे काम में अगर देर हुई तो तुम्हारे और वृंदा के लिए अच्छा नहीं होगा। वृषाली मैम, I'm so sorry guys. अरे what sorry? वो तो दोस्त है यार। दोस्त? Thank you guys. We are friends. कोई प्रॉब्लम है तो हमसे शेयर कर। अबे ये लोग मेरे थप्पड़ का बदला लेने गए या फिर भाईचारा पढ़ाने गए? No clue यार, but स्पर्श और रोहन गए तो कुछ मामूली नहीं करेंगे, कुछ तो खतरनाक करेंगे। I see your problem. और उसका सोल्यूशन मेरे पास है। अभी बोला ना तू हमारा फ्रेंड है, मतलब तेरी प्रॉब्लम हम सबकी प्रॉब्लम। थैंक यू गाइस, बट अगर वैशाली मैम को पता चला कि मैंने तुम लोगों से हेल्प ली है तो नहीं नहीं थैंक यू। हाँ थैंक यू। अरे अरे भाई तू मॉम की टेंशन ना छोड़ दे, तू बस हमारा प्लान सुन। वृंदा को फोन करूं या ना करूं? आई मीन बताऊं उसे? नहीं, बात सही कह रही थी, मुझे ना उससे मिलके ही बात करनी चाहिए। या ये ठीक रहेगा। इस वृंदा को यहाँ तक आने में बस कुछ ही पल तक है, पर पता नहीं मेरा बुलावा उस वृंदा तक पहुंचा भी या नहीं। मेरे दिमाग में कुछ क्यों नहीं आ रहा है? हुआ क्या था? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? ऐसे कैसे काम चलेगा? किससे बात करूं? माँ से बात करने जाऊंगी वो तो उल्टी ही बात करेगी, कोई फायदा है नहीं। रजत तो वैसे ही आजकल सिर्फ बड़ी माँ के गुणगान गा रहा है, उन्हीं की बात सुन रहा है, उससे क्या बात करूं? वो तो सिर्फ नयनतारा और देव को मिला। देव से बात कर सकती हूँ मैं, उसने तो हमेशा मेरी सुनी है ना। हाँ थोड़ा सा मजाक उड़ाएगा पर सुन लेगा, मतलब अगर मुझे अपनी परेशानी बांटनी है तो किसी ना किसी की मदद तो लेनी ही पड़ेगी ना। तो देव सही है ना? और फिर उसे तो पता भी होगा मेरे साथ हुआ क्या, वो तो वहीं था ना, उसी से बात कर लेती हूँ। उसे ही फोन करने जा रही थी, उसी का ही मैसेज आ गया। मैं तुमसे फौरन मिलना चाहता हूँ, अर्जेंट है, अभी घर के बैकयार्ड वाले जंगल के रास्ते पे आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। जंगल में? उस वृंदा ने मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा दी है और अब मैं उसे ऐसा नाचना चाहूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी, क्योंकि मेरी माँ की जिंदगी में मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, और किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं उसे हमेशा के लिए मिटा दूंगी। हाँ वृंदा, आज की रात तेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी। के का ये जहरीला खेल मेरे साथ नहीं होगा। मैं भले एक इच्छाधारी नागिन ना सही, पर मान्यता माँ की बेटी मैं ही हूँ। वो मेरी माँ है और अपनी माँ का प्यार मैं कभी किसी के साथ नहीं बांटूंगी, और जहाँ तक बात रही मेरी माँ के इंतकाम की तो वो भी मैं ही लूँगी। उस देव पारिक के जरिए मैं पारिक खानदान की बहू बनूंगी, और मेरे इस इंतकाम में वृंदा का कोई काम नहीं होगा। वृंदा ना पहले कभी हमारी जिंदगी का हिस्सा थी ना कभी होगी, बल्कि वो वृंदा तो अब जिंदा ही नहीं रहेगी। देव, मैं ना बार बार बेहोश हो रही हूँ, लेकिन उसका रीजन वो नहीं है जो माँ सोच रही है, ये थोड़ी ना बोल सकती हूँ। वो तो सीधा पूछ लेगा ना फिर माँ क्या सोचती है, उसे बताते बैठो फिर माँ क्या सोचती है। इससे बेटर है सीधा ही पूछ लूंगी, देव कल मेरे साथ क्या हुआ था, मैं पानी में गिरी कैसे, क्योंकि मुझे तो कुछ याद नहीं है, ये बेटर है यही पूछ लूंगी। अरे मुझे यहाँ बुला के देव खुद तो गायब है, जंगल में क्यों बुलाया है? ये लो फोन का नेटवर्क भी गायब है। अरे देव को ऐसी क्या बात करनी थी कि जंगल में ही बुला लिया? बस अब तो बहुत ही हो गया, अब मेरे बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है। मैं तो देव को बोलने वाली हूँ कि ऐसे यहाँ पे
जो इच्छाधारी ना के ना जा, आज आखिरी बार अपना असली रूप में आ जा, क्योंकि इसके बाद तेरी मौत है।